आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का छिंदवाड़ा का मनहुआ पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर सत्कार चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात 36 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों से मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन दिया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं अन्य कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में कई कार्यक्रम में भाग लिया गया। संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा। अपने जी जी सौंदर्यकरण के लिए अपने फंड से कुछ राशि करके और सौंदर्यकरण कराएंगे और ये वीआईपी रोड का नाम भी डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से होना चाहिए। भारतीय महासभा के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, सभी मेरे प्रिय साथीगण, आदरणीय बुजुर्गों, सबसे पहले आप मेरे साथ मिलके नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। मैं अभी मऊ से आ रहा हूँ, उनको नमन प्रणाम करते हुए। बाबा साहब, हमें गर्व है कि बाबा साहब का जन्म हमारे प्रदेश की धरती में हुआ था। ये गर्व है हमारा। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जो केवल अपने देश का नहीं था, पर विश्व ने, बहुत सारे देशों ने विश्व में उसकी नकल करी। बाबा साहब अंबेडकर के सामने चुनौती थी कि एक ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं। ये बाबा साहब अंबेडकर के सामने चुनौती थी, एक संविधान ऐसे देश में बनाया जाए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हों। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे कमजोर वर्ग, हमारे सबसे कमजोर वर्ग सुरक्षित रहे। उनका भविष्य उस समय उन्होंने सोचा था, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, उससे उन्होंने संविधान बनाया। पर आज चिंता का विषय है कि अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा। आज आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों, आज इन नौजवानों का भविष्य हम सुरक्षित रखें। आज जो अतिक्रमण हो रहा है हमारे संविधान पर, हमारे संस्कृति पर, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, हमारे कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, सब समाज को जोड़ के रखते हैं। इसी तरह आज का भारत जीवित है। कितनी अन्य जातियां हैं, कितनी अन्य जातियां हैं अपने प्रदेश में और अपने देश में, क्या हम जातियों में भी बंटवारा करेंगे? ये धर्म का जो बंटवारा करने का प्रयास किया जा रहा है, आप सब समझदार हैं, क्या इससे हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों का, अपने नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे? आज तो मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इस पर सोचिए कि देश में क्या हो रहा है। मैंने अभी मऊ में कहा कि बहुत दिनों से मेरे मन में, एक बात थी, बाबा साहब अंबेडकर मानवता के प्रतीक है, कि सबसे बड़ी हम प्रतिमा बाबा साहब की मध्य प्रदेश में हम लगाएंगे। और ये मूर्ति, ये मूर्ति सबके सहयोग के साथ बनेगी, हम इसकी एक समिति बनाएंगे। आप इसमें 50 पैसे दीजिए, 1 रुपया दीजिए, 25 पैसे दीजिए,
पर सब इसमें भागीदार बने। हम शासकीय मूर्ति नहीं बनाना चाहते हैं, ये भावनाओं की मूर्ति, स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी बनाना चाहते हैं बाबा साहब अंबेडकर की। ये हमने इसका संकल्प लिया है और ये हम भोपाल में बनाएंगे, हमारी राजधानी जो है। तो आज मैं आपसे एक ऐसे दिन में, ऐसा दिन में मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि आज आप संकल्प लें, हम संकल्प लें कि हम अपना भविष्य कैसे सुरक्षित रखें। छिंदवाड़ा की बात मैं नहीं करना चाहता, मैं तो पूरे प्रदेश की बात करना चाहता हूं, आपके गांव की बात करना चाहता हूं। ये तोड़ने की राजनीति, ये बांटने की राजनीति, ये भड़काने की राजनीति, हम धर्म प्रेमी हैं, आप सब धर्म प्रेमी हैं, पर हम धर्म को राजनीतिक मंच में नहीं लाते, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, हम उस धर्म के माध्यम से राजनीति नहीं करना चाहते। हम सब उनसे जो ये बड़ा प्रचार करते हैं, तरह तरह के नामों से चलते हैं, ये दल और फलावा दल और ये परिषद, क्या वो हमसे ज्यादा धर्म प्रेमी है? क्या किसी ने ठेका लिया हुआ है, एजेंसी ली हुई है धर्म की? क्या भगवान राम की ठेका लिया हुआ है? इनके पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं, और यही आपको सोचना है कि कैसा चैलेंज चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक ही संकल्प लेंगे, कांग्रेस को छोड़िए, कमलनाथ को छोड़िए, आप सच्चाई पहचानेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, भविष्य सुरक्षित रखेंगे।